नमस्कार दोस्तों, मैं अनीस एक बार पुनः सुनील क्लासेस में आपका स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। जैसा कि लास्ट क्लास हमने नागरिकता की पढ़ी, नागरिकता पढ़ने के बाद हमने आप लोगों से कहा था कि जो भी चैप्टर पढ़ाया जाएगा उससे संबंधित क्वेश्चन जो एक दूसरी परीक्षाओं में आते हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे, उन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और जो भी प्रश्न और भी बनते हैं परीक्षाओं से। मान लीजिए जो प्रश्न हमारे जो हैं विगत वर्षों की परीक्षाओं में आए हुए हैं उनको भी सॉल्व करेंगे। साथ साथ हम जो हैं ये भी करेंगे कि हम इसमें से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, जो ऑप्शंस हमें दिए गए हैं उसमें से क्या प्रश्न बन सकते हैं, क्या पूछा जा सकता है उनको भी करेंगे। ये जो सीरीज चल रही है इसमें हम आपको आगे वन डे एग्जामिनेशन में जो भी चैप्टर इंपॉर्टेंट होंगे पहले उनको पढ़ाएंगे, जहाँ से वन डे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक दूसरी परीक्षाओं में जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम उनको पहले पढ़ाएंगे, फिर जो है पॉलिटी के और चैप्टरों को आपके सामने लाएंगे। तो इसी के अंतर्गत हमने जो है नागरिकता के कुछ प्रश्नों को लेके आया हूँ जो आपके सामने व्हाइट बोर्ड पर हमारे हैं। पहला क्वेश्चन, जैसे नागरिकता का क्या है कि नागरिकता का संबंध संविधान के किस भाग से है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नागरिकता का संबंध संविधान के किस भाग से है। पहला भाग एक, भाग नौ, भाग दो या भाग नौ सब क्लॉज दो क्या ए से है। तो हमको अब चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहले हमको तो ये पता है कि नागरिकता का संबंध संविधान के किस भाग में है, क्योंकि हमको ये पता है नागरिकता 5 से 11 तक इसका क्या है, नागरिकता को 5 से 11 यही है। भाग कौन सा है? दो। भाग कौन सा है? दो। नागरिकता ली कहाँ से गई है? ब्रिटेन की नागरिकता हमने वहाँ से ग्रहण किया है, ब्रिटेन देश से। अच्छा, तो हमको ये पता चल गया कि भाग दो का हिस्सा है तो हम यहाँ पे लगा देंगे भाग दो, सही आंसर। मगर इसके तीन और ऑप्शन दिए गए हैं, हम उस पर भी डिस्कशन कर लेते हैं। भाग एक इससे संबंधित है, तो भाग एक जो हमारा है वो संघ है, उसका क्षेत्र, संघ और उसका क्षेत्र ये कहाँ से कहाँ तक है? ये 1 से 4 तक है, संघ और उसका क्षेत्र, संघ और उसका क्षेत्र, ठीक है, संघ और उसका क्षेत्र जो होता है वो भाग 4 से 1 से 4 तक भाग एक में है। भाग जो है 9 में आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ऑप्शन में भी ये दे दिया जाता है क्योंकि फंसाना होता है एग्जामिनर को जब आपको, तो भाग 9 दे दिया जाता है और भाग 9 के साथ भाग 9 सब क्लॉज 2 ए दे दिया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि भाग 9 के सब क्लास 2 ए जो है वो अभी रिसेंटली आया है चर्चा में, और भाग 9 जो है हमारा पंचायतों से संबंधित है। पंचायतें कहाँ पर हैं? भाग 9 में। पंचायत कहाँ पर हैं? भाग 9 में, ठीक है। पंचायत जो है वो कहाँ पर है? भाग 9 में है, और कहाँ से कहाँ तक है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। 239 से जो है मगर 242 तक है, 239 से 242 तक में है। कौन है? पंचायतें, ठीक है। पंचायतों का जो किया गया, कब पंचायतों में कौन सा संविधान संशोधन द्वारा लाया गया था? 73वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें पंचायतों को लाया गया था। अच्छा, अब अगला जो हमारा ऑप्शन है इस पे आते हैं, ये क्या है? 9 का सेकंड ए, तो इसमें क्या है? भाग 9 का सब क्लॉज 2 का ए, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अमित शाह जी अभी इसके नए मंत्री बने और ये नया मंत्रालय बना है, कौन सा है? सहकारिता मंत्रालय। ये कब हुआ था? ये 1900 सहकारिता मंत्रालय की कमेटी बनी थी 1903 में, और इसे जो है इस कमेटी ने रिपोर्ट 1904 में दी थी। तो सहकारिता जो है ये समिति थी, एक ये पहली जो सहकारिता समिति बनी थी, सहकारिता ऋण समिति बनी थी, ठीक है, 1904 में। उसके बाद जो है अभी 2021 में जो है हमारे प्रधानमंत्री जी ने सहकारिता समिति की जगह पर मंत्रालय ला दिया, और इसका जो मुख्य मंत्री बना, जो मंत्री बनाया, जो कैबिनेट मंत्री बनाया गया जिसके क्षेत्र में आता है सहकारिता मंत्रालय, वो कौन है? अमित शाह जी हैं। कौन है? अमित शाह जी हैं, ठीक है ना। सहकारिता मंत्रालय है किसमें? भाग कौन सा है? तो 243, कौन सा है? 243, 243 अनुच्छेद के अंतर्गत सहकारिता मंत्रालय हमारा आता है, ठीक है ना। तो ये कब पहला सहकारिता मंत्रालय की जो समिति बनी थी वो कब बनी थी? 1904 में बनी थी, ठीक है। और पहला जो सहकारिता मंत्रालय का जो सहकारिता वो था, बैंक था, उसका नाम क्या था? सहकारिता ऋण समिति थी,
सहकारिता ऋण समिति थी। तो इसके अंतर्गत जो चारों ऑप्शन थे इसको हमने आपको बताया कि पहला क्या है, भाग एक है किससे संबंधित संघ, उसके क्षेत्र एक से चार तक। उसके बाद भाग नौ है पंचायतों से संबंधित है 239 से 242 तक। भाग दो आप जान ही रहे हैं 5 से 11 है, आप जो पढ़ रहे हैं वही है। भाग नौ का दो सब क्लॉज दो क्लॉज ए ये किससे है 243 से और 243 और इसका मंत्रालय किसके किसके पास है, ये जो है अमित शाह जी के पास है, ठीक है अमित शाह जी के पास है, ठीक है अमित शाह इसके मंत्री हैं। तो ये आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, नागरिकता में कितनी बार संशोधन हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ ये क्वेश्चन इस वजह से इंपॉर्टेंट है कि अभी बहुत ही जल्दी एक संशोधन हुआ है जिस पे बहुत हो हल्ला हुआ। शाहीन बाग आपको पता होगा, शाहीन बाग में लोग बैनर पोस्टर लेके जुटे हुए थे, फिर कोरोना आ गया, कोरोना ने सबका बंद कर दिया, ठीक है। तो शाहीन बाग से ही संबंधित है, इसी वजह से इस क्वेश्चन को लिया भी गया और ये क्वेश्चन आने की प्रायोरिटी ज़्यादा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस वजह से थोड़ा हम इस पर कंसंट्रेट होते हैं कि नागरिकता में कितनी बार संशोधन हुआ, एक बार, छः बार, पाँच बार और नौ बार। तो नागरिकता में जो है संशोधन कितनी बार हुआ है, छः बार हुआ है। कितनी बार हुआ है, छः बार हुआ है। छः बार हुआ तो पहला संशोधन कब हुआ था 1986 में, दूसरा संशोधन कब हुआ था 92 में, फिर कब हुआ था तब उसके बाद क्या संशोधन हुआ 2003 में, फिर 2005 में, उसके बाद कब हुआ, उसके बाद जो हुआ आपका संशोधन 2015 में हुआ और फिर आखिरी जो हुआ एक 2019 में। मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये जो 2019 वाला संशोधन हुआ यही संशोधन सबसे मुख्य संशोधन, क्यों, यहीं पे जो है सिटीजन अमेंडमेंट बिल आया था, एक्ट आया था जो CAA आया, बस इसी कारण से CAA के कारण से ये क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जो सिटीजन अमेंडमेंट बिल आया था वो 2019 में ही आया था। कौन लाया था, हमारे जो मंत्री हैं गृह मंत्री कौन है, अमित शाह जी लाए थे। तो ये नागरिकता में कितनी बार संशोधन हुआ क्वेश्चन आया, तो 6 बार संशोधन हुआ, 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 और लास्ट जो था 2019 में हुआ, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया, आगे हम बढ़ते हैं इसी के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है हमारा, नागरिकता प्राप्त करने के लिए सक्षम निकाय कौन है, बहुत जरूरी क्वेश्चन। सक्षम निकाय आपको पता होगा अनुच्छेद 11 लास्ट जो हमारे नागरिकता का सबसे आखिरी अनुच्छेद है, अनुच्छेद 11, ये किसको ताकत देता है, संसद को ताकत देता है जो नागरिकता को क्या करते देते हैं, उसको समाप्त भी कर सकती है। किस कारण से, वो सारे कारण मैंने आपको मेंशन किया, देशद्रोह हो सकता है या आप स्वयं से अपनी नागरिकता त्याग देते हैं, तो ये सब अधिकार क्षेत्र किसके अंतर्गत आते हैं, ये किसी विशेष व्यक्ति के अंतर्गत नहीं आते, ये संसद के अंतर्गत आते हैं। और संसद में आपको पता ही है क्या क्या होता है, संसद में 3 लोग होते हैं, राष्ट्रपति होता है, लोकसभा होता है और राज्यसभा होता है, इन तीनों लोगों से मिलकर जो है संसद बनी हुई है। तो हमारा जो ये अनुच्छेद है कि नागरिकता प्राप्त करने के लिए सक्षम निकाय क्या है, तो संसद है। संसद किस में है, तो 11 में, अनुच्छेद 11 में है, ठीक है अनुच्छेद 11 में। अच्छा अब आ जाता हमारा 3 और ऑप्शन आते हैं, चुनाव आयोग, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। अच्छा तो चुनाव आयोग क्या है, अभी रिसेंटली चुनाव हो रहे हैं, राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है और अभी रिसेंटली अभी कल एक चुनाव का उपचुनाव का भी रिजल्ट आया है। तो चुनाव आयोग जो है वो संविधान के जो है वो किस भाग में है, वो 15वें भाग में है, किस भाग में है 15वें भाग में। और कौन सा चुनाव आयोग को चुनाव करने का जो अधिकार मिलता है वो 324 से अर्ध जो न्यायिक डिपार्टमेंट है ये, ठीक है अर्ध न्यायिक मतलब आधा न्यायिक है, ठीक है। तो चुनाव आयोग जो आता है वो चुनाव आयोग कौन से भाग में है, वो 15वें भाग में, यस 15वें भाग में हो। और अनुच्छेद कौन सा है 324, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगला आता है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति हमारा किस में है, राष्ट्रपति जो है हमारे संविधान में लिखा होगा भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये अनुच्छेद कौन सा है 53 है, कौन सा अनुच्छेद है 53, ठीक है। तो 53 में कौन है, राष्ट्रपति है, क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव नज़दीक है, तो राष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चनों को आप पढ़ते रहिएगा क्योंकि उससे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। निर्वाचन आयोग से भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में, विगत वर्षों से पूछा जा रहा है और आयोग जो है ऐसे क्वेश्चनों को बहुत ही मतलब ध्यान देता है जो करंट पे चल रहे हो। पॉलिटी अब क्या हो गई है ना, पॉलिटी जो है पॉलिटी नहीं रहेगी, आप
लक्ष्मीकांत जी को पढ़ के पॉल्टी नहीं कुछ भी कर सकते, उसमें सिर्फ क्वेश्चन है, आप उससे अपना बेस मजबूत कर सकते हैं। मगर पॉल्टी के क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं, पॉल्टी आपका क्वेश्चन बेस से उठाकर, और क्वेश्चन जो अभी चल रहा है, अभी क्या क्या हो रहा है, निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद में है, निर्वाचन आयोग किस भाग में है, उसके बाद कौन सी ताकत है, कैसे कर सकता है निर्वाचन आयोग, कैसे किसी की मान्यता को रद्द कर सकता है निर्वाचन आयोग। आप सुनते होंगे कि जो है इस पार्टी की मान्यता रद्द कर दी, इसके चुनाव निशान को रद्द, तो ये सारे के सारे अनुच्छेद हैं। तो इसको मैं आपको जब निर्वाचन आयोग पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, मगर आपसे भी ये निवेदन है कि आप जब भी पढ़िए, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करिए, तो वन डे के लिए ये बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आप वन लाइनर बन के, या फिर जो है चार ऑप्शन आते हैं तो चार ऑप्शन के चारों ऑप्शनों को जानते रहिए कि इसमें से क्या इंपॉर्टेंट निकल सकता है। जैसे मैं आपको अगर चार ऑप्शन देता हूँ तो उन चारों ऑप्शनों के जो है उसमें भी जो ऑप्शन है, जैसे हमने दिया नागरिकता प्राप्त करने के सक्षम निकाय क्या है, तो मैं संसद पढ़ा के आगे बढ़ सकता था और जल्दी जल्दी ख़त्म कर सकता था, 100-125 क्वेश्चन जो होते उनको ख़त्म कर देता। मगर मेरा ये मानना है कि आपके जो चार ऑप्शन हैं उनको भी आप जानते रहिए, क्योंकि ये पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब आप पेपर देते हैं तो उस पेपर को लाइए और उसके चारों ऑप्शनों को फिर घर पे बैठ के, आपके पास जब खाली समय हो, जब आप टिकटॉक देखते हैं या अनदर चीज़ों पर करते हैं या गेम पबजी या कुछ भी खेलते हैं, उस टाइम का अपनी पढ़ाई में यूज़ कर दीजिए। और अपने जो चार ऑप्शंस हैं बचे हुए, तीन तो आपको, एक तो आपको पता ही रहता है मान लीजिए, और चार तीन ऑप्शन जो नहीं पता होते हैं उनको भी कहीं से गूगल करिए, या किसी भी माध्यम से, बुक्स के माध्यम से, या कैसे भी करके उनके भी ऑप्शंस के आंसर को ढूंढिए और करिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यहाँ से आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं पेपर में, और एग्जामिनर कहाँ कहाँ से पूछ सकता है, क्योंकि वो हमारे दिमाग के साथ खेलता है। जैसे यही सक्षम निकाय को पूछ देता है, किसके पास क्षमता होती है, या कुछ और भी पूछ देगा, घुमा देगा, बस इतना ही पूछ देगा कि कौन करता है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन आता है भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, आपको पता है भारतीय नागरिकता अधिनियम कब आया था, 1955 है। कितने आधार पर नागरिकता दी जा सकती है, आपको मैंने बताया था नागरिकता कितने आधार पर दी जा सकती है, 5 आधारों पर दी सकती है। आपको पता होगा वो 5 आधार कौन कौन से हैं, एक तो जन्म हो गया, दूसरा वंशानुगत हो गया, तीसरा क्या हो गया कि रजिस्ट्रेशन के थ्रू, चौथा देशीकरण के थ्रू, और पांचवा जो होता है जब आप किसी क्षेत्र, जैसे कोई भारत देश है, अगर वो किसी क्षेत्र पे कब्जा कर लेता, मैंने आपको मेंशन किया था कि ये मान लीजिए पाकिस्तान है, पाकिस्तान के इस क्षेत्र पे पाकिस्तान ने हम पर क्या किया, हमला किया, क्योंकि हम तो सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं, हम किसी पे हमला कर नहीं सकते हैं। पाकिस्तानी सोचता है कि भारत के कश्मीर ले लो तो दिल्ली में हम राज करेंगे, तो वो सब उसी की हरकतें हैं, अगर वो करेगा तो हम उसको मारेंगे। तो हमने क्या किया कि पाकिस्तान, हम उसने अटैक किया, पाकिस्तान ने, यहाँ पाकिस्तान ने अटैक किया, इंडिया ने भी अटैक किया, इंडिया ने इतने हिस्से को कब्जा कर लिया, तो यहाँ के जो हिस्सा है, यहाँ के जितने भी नागरिक होंगे वो स्वतः ही भारतीय नागरिक कहे जाएंगे, क्योंकि वहाँ वो अधिकार क्षेत्र किसका हो जाएगा, इंडिया का अधिकार क्षेत्र में आ जाएगा। ठीक है, तो कितने प्रकार से, 5 प्रकार से। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं, सितंबर 2000 में, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, सितंबर 2000 में भारत सरकार द्वारा NRI, जो भारतीय विदेशी नागरिक जो होते हैं NRI कहलाते हैं, जो भारतीय होते हुए विदेश में निवास करते हैं, ठीक है, इनको दोहरी नागरिकता मिली होती है, आप ये जानते रहिए, NRIs जो होते हैं दोहरी नागरिकता होती है, अभी आगे के क्वेश्चन में वो है कि कैसे दोहरी नागरिकता होती है, कैसे ICU, तो वो चीज़ मैं आपको मेंशन कर, NRI की नागरिकता के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन हुआ था, तो आपको ये बताना है सितंबर 2000 में एक समिति का गठन हुआ था, उसके अध्यक्ष कौन थे। ये क्वेश्चन, एक उच्च स्तरीय समिति थी जिसका गठन किया गया था, इसके अध्यक्ष का नाम पूछा गया है, तो अध्यक्ष इसके AN सिंह थे, या LM सिंघवी थे, या फिर मनमोहन सिंह थे, या कोई नहीं थे, तो इसका आंसर होगा LM सिंघवी, यही इसके अध्यक्ष थे, और इन्होंने ही दिया था कि कैसे जो है NRIs के लिए जो है वो नागरिकता का प्रावधान किया जा, जब जो है जब इन्होंने ये समिति बनी थी, ये 2000 में बनी थी, और इसने अपनी रिपोर्ट 2002 में दी थी, कब दी थी, 2002 में अपनी रिपोर्ट दी थी कि NRIs के लिए जो है वो कैसे जो है नागरिकता का नियम बनाया जाए, कैसे उनको नागरिकता दी जाए। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो किस अनुच्छेद के तहत विदेशी नागरिकता ग्रहण करने वाले व्यक्ति की
नागरिकता समाप्त हो जाती है। तो कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत जो है जो अनदर देश की नागरिकता ले लेते हैं उनकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। तो हमने बताया था जब हम आपको 5 से 11 पढ़ा रहे थे तो हमने बताया था कि एक अनुच्छेद ऐसा है ऐसे लाइन कर कि जो है जिसके अंतर्गत जो है अगर आप दूसरे देश की नागरिकता ले लेते हैं तो क्या होगी आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो ये यही अनुच्छेद है। अनुच्छेद क्या है? 9। अनुच्छेद 9 के अंतर्गत जो है अगर आप जो हैं दूसरे देश की नागरिकता ले लेते हैं तो आपके भारत देश की नागरिकता समाप्त हो जाती है। अच्छा, अनुच्छेद 8 क्या कहता है? भारत के बाहर रहने वाले, ठीक है, इसमें क्या अनुच्छेद है? भारत के बाहर रहने वालों के जो संबंधित है। अनुच्छेद 6 किससे संबंधित है? पाकिस्तान से भारत आने वालों से संबंधित है। और अनुच्छेद 7 पाकिस्तान को जाने वालों से संबंधित है। तो ये इसी के साथ साथ ये भी है कि अनुच्छेद जो है 9 में ये कहा गया है कि नागरिकता को जो नागरिकता होती है अगर ग्रहण नागरिकता ग्रहण करने वाले व्यक्ति की नागरिकता को कौन समाप्त करता है? अनुच्छेद 9 के अंतर्गत संसद समाप्त कर सकती है। ठीक है, कौन समाप्त कर देता है? संसद समाप्त करती है। अनुच्छेद 9 के अंतर्गत संसद समाप्त कर सकती है। 7, 8 और 6 ये तीनों भी नागरिकता से हैं। ये भारत को पाकिस्तान को जाने वाले हैं, ये पाकिस्तान से आने वालों हैं और ये भारत के बाहर रहने वालों से संबंधित है नागरिकता। ठीक है, भारत के बाहर रहने वाले जो विदेशी नागरिक होते हैं उनसे संबंधित है अनुच्छेद 8। तो ये विदेशियों से संबंधित विदेशी नागरिक, ठीक है, विदेशी नागरिक से और ये पाकिस्तान को। तो ये चीज़ याद है, से और को, यहाँ से लगता है, 6 में से है और 7 में को है। पाकिस्तान को और पाकिस्तान से, ये पाकिस्तान से और पाकिस्तान को, ये याद रखिएगा, को और से। ठीक है, आगे हम बढ़े, आगे क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं। नागरिकता संबंधी विषयों पर अंतिम निर्णय कौन सा मंत्रालय लेता है? बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे इंपॉर्टेंट लिख लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो क्या है नागरिकता जो मंत्रालय है कौन सा? हमारे ऑप्शन है विदेश मंत्रालय, विदेशी मामलों का मंत्रालय। देखिए आयोग फंसाता है ऐसे क्वेश्चनों को देके। आयोग क्या करता है कि ऐसे ही क्वेश्चन दे देगा कि जो है आप जो है थोड़े से विचार करने लगे क्योंकि नागरिकता का विषय है तो देशी भी मामला और विदेशी भी मामला, क्योंकि भारतीय लोग देश में भी रहते हैं और देश के बाहर भी रहते हैं, तो इसलिए वो विदेश मंत्रालय दे देगा या उसके साथ वित्त मंत्रालय भी देगा। पैसे रुपए का भी तो काम, तो विदेश क्यों रहते हैं लोग, अपना घर छोड़ के कोई क्यों जाता है? इसीलिए जाता है ना कि कुछ पैसे कमा सकते, तो वो वित्त मंत्रालय भी दे सकता है, विदेश मंत्रालय भी दे सकता है। और उसके बाद क्या है, एक शिक्षा मंत्रालय और एक गृह मंत्रालय है। तो इसमें आंसर आपका जो होगा वो गृह मंत्रालय होगा। अच्छा, गृह मंत्रालय का कैबिनेट मंत्री कौन है? अमित शाह जी हैं। इन अमित शाह जी के पास कौन कौन सा मंत्रालय है? एक सहकारिता मंत्रालय है जो नया मंत्रालय बनाओ, एक गृह मंत्रालय। 370 हटाने वाला कौन सा ऐसा कैबिनेट मंत्री है? तो श्री अमित शाह जी हैं जिनके गृह मंत्री बनने के बाद जो है 370 धारा हट गई और भी बहुत सी चीज़ें, CAA आया, NRC आया, सब गृह मंत्री जी अमित शाह जी की देन है। तो अंतिम निर्णय जो होता है वो कौन करता है? वो गृह मंत्रालय करता है। ठीक है ना, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, PIO और OCI। ये देखिए PIO क्या है? ये होता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। क्या होता है? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ठीक है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ये जो था सभी के लिए नहीं था, जो PIO था ये सभी के लिए नहीं था। अब एक और आता है PIO जो था पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ये सभी के लिए। एक आता है OCI। OCI क्या होता है? ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ये क्या था? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन ये और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। मैंने क्लास में आपको मेंशन किया था कि ये जो आया था, एक 99 में आया था, एक 2003 में आया था, फिर 2005 में एक संशोधन हुआ था। 2005 में जब संशोधन हुआ था तो उसमें ये कहा गया था
कि जो है कुछ अधिकारों को बदलकर जो है एनआरआईज को जो है वो डबल नागरिकता की बात चल रही थी, मगर उस पर कुछ सहमति नहीं बन पाई थी। फिर 2015 में जो है PIO OCI को दोनों को क्या कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया, और दोनों को मर्ज करके जो है इसको बना दिया गया OCIC। क्या बना दिया गया? OCIC बना दिया गया। क्या बना दिया गया? OCIC। कब बनाया गया? 2015 में। इसका नाम क्या है हिंदी में आप कह सकते हैं? भारतीय विदेशी नागरिक कार्ड होल्डर, भारतीय विदेशी नागरिक कार्ड होल्डर, OCI है, OCIC इसको कर दिया गया। कब? 2015 में। तो यही पूछा, PIO और OCI का विलय कब हुआ था? 2015 में। कब हुआ था? 2015 में। इसके फुल फॉर्म भी याद कर लीजिएगा, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये दो चीज़ें हैं, दोनों को मर्ज कर दिया गया एक दूसरे के साथ, और मर्ज करने के बाद क्या कर दिया गया, इनको क्या बनाया गया, OCIC बना दिया गया, भारतीय विदेशी नागरिक जो है कार्ड होल्डर, भारतीय विदेशी, इनको क्या कर दिया गया था। 16 कंट्री ऐसी थी, पहले 2005 में जब हुआ था तब क्या है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इन सब कंट्रीज़ को छोड़ दिया गया था 2005 में जब संशोधन हुआ था, मगर जब 2015 में हुआ तब ये सभी को ले लिया गया था। तो ठीक है, पहले 16 कंट्रीज़ थी खाली, 16 कंट्रीज़ के अंतर्गत नागरिक जो रहते थे उनको मान्यता मिलती थी, फिर जो है 2015 वाले में क्या किया गया, सभी को ले लिया गया। ठीक है ना, तो ये याद रखिएगा कि दोनों को विलय कब हुआ था, 2015 में हुआ था, और जो था उसका नाम OCIC हो गया था। ठीक है, भारतीय विदेशी नागरिक कार्ड होल्डर। ठीक, एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? अब देखिए, आपको सीधा सा एकदम पता होगा कि नागरिकता भाग दो में है, 5 से 11 तक है, तो कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया। ब्रिटेन से और कौन सी व्यवस्था ली गई? संसदीय भी ली गई थी, जो संसद हमारा है उससे भी संबंधित व्यवस्था ली गई थी, बहुत से प्रावधान लिए गए हैं। अभी जैसे अमेरिका है, अमेरिका से क्या लिया गया है, अमेरिका से जो लिया गया है जो है अमेरिका जो है वहाँ पे कहाँ कौन सी नागरिकता चलती है, दोहरी नागरिकता। जर्मनी, अब जर्मनी से क्या, आपातकाल हमेशा लगता है, जब भी चुनाव होता है तो क्या लगा दो, आपातकाल। अगर किसी का कोई हार रहा या कोई चीज़ करप्शन हो गया या फिर कोई व्यवस्था खराब हो गई तो अपने अंदर सुधार लोग नहीं करेंगे, वो क्या करेंगे, आपातकाल लगाने की बात करेंगे कि शासन जो है वहाँ का सही काम नहीं कर रहा, इसलिए आप क्या करो, आपातकाल लगा। तो आपातकाल जो है वो कहाँ से लिया गया है, वो लिया गया है जर्मनी से लिया गया है। और क्या लिया गया है जर्मनी से, और लिया गया है जैसे राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ होती हैं या उच्च न्यायालय की जो सलाह देता है सलाहकार, वो भी क्या है, जर्मनी से लिया गया। अच्छा, कनाडा से क्या लिया गया, ये संघी व्यवस्था जो ली गई है वो कहाँ से ली गई है, संघ की जो व्यवस्था होती है संघी व्यवस्था, वो कहाँ से ली गई है, कनाडा से ली गई है। आपातकाल कहाँ से लिया गया है, ये जर्मनी से। आपातकाल कहाँ से लिया गया है, जर्मनी से। अमेरिका से दोहरी नागरिकता। तो ऐसे ही आपको ये क्वेश्चंस जो हैं आप कंसंट्रेट होइए कि चार ऑप्शन आए तो चारों को कोशिश करिए कि जानने की, ये जानते रहिए कि क्या क्या कहाँ कहाँ से लिया गया है, कब क्या हुआ था, किस बेसिस पे हम क्वेश्चन को पढ़ें और हमारा आधार क्या रहे, क्योंकि ऑप्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। आगे चलते हैं, वो कौन सा अनुच्छेद है जो केवल भारतीयों को प्राप्त है, ये मैंने कहा था कि इंपॉर्टेंट है और ये आता जरूर है। तो हमने आपसे कहा था, एक तो सबसे बड़ी चीज़ है, आप जब से देखोगे 15, 16, 19, 29, 30 जैसे इसको देखोगे और सही का टिक लगा दोगे, ठीक है। मगर 14 भी इंपॉर्टेंट है, 17 भी इंटर है, 17 स्पष्टता से है, 14 किससे है, विधि है। 14 में क्या है, विधि में समानता, विधि समानता है जो 14 में दिया गया है। 20 हुआ, 21 हुआ, 18 हुआ, तो 20 में क्या है, 20 में क्या दिया गया है, अपराधों में दोष अगर सिद्ध हो जाता है तो उससे संबंधित है। अच्छा, तो 21 में क्या है और 18 में क्या है, 18 में जो है उपाधियां, 18 क्या कहता है, 18 जो कहता है उपाधियों से संबंधित है। हटा, 18 क्या है, 18 उपाधियां जो है, उपाधियों को क्या कर देगा, 18 उपाधियों को अंत, उपाधियों का जो अंत होता है वो किस में होता है, 18 में होता है। तो 20 में क्या होता है, 20 में जो होता है वो अपराधों का अंत, और प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, और यही जो है आपसे क्विज में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, विवाह करने का जो अधिकार आपको मिलता है वो किस अनुच्छेद में मिलता है, तो 21 ही वो है जो है वैवाहिक दैहिक स्वतंत्रता का जो अधिकार मिल जाता है, जब मौलिक अधिकार मैं आपको पढ़ाऊंगा तो उसी के अंतर्गत 21 आता है। 21 का ए आता है, 21 का क, 21 सब क्लॉज ए, वो क्या होता है, शिक्षा, शिक्षा का जो अधिकार होता है 14 से
सॉरी 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो है शिक्षा का जो अधिकार है वो 21 के क में है। तो आपको ये चीज ये क्या है 18 क्या है, 18 मैंने अभी भी बताया क्या है, 18 उपाधियों का अंत। ठीक है, उपाधियों का अंत जो है, उपाधि जो होती है उसका अंत जो होता है वो किस में होता है, वो 18 में होता है। 21 आपको मैंने बता दिया जो वैवाहिक संबंध से रिलेटेड होता है, दैहिक स्वतंत्रता मिलती है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। 20 आपका क्या है, कुछ जो है प्रबंध है अपराधों से जो है उससे संबंधित है। 17 क्या है और 14 क्या है, तो 17 क्या है अस्पर्शता, छुआछूत की जो भाव होते हैं उससे संबंधित है। 14 क्या है, 14 विधि है, विधि सम्मत है। और ये तो आप जान ही रहे हैं कि क्या क्या है, धर्म है। और ये देखिए ये अल्पसंख्यकों वाला है, आपको याद आया होगा कि अल्पसंख्यकों से रिलेटेड है कि ये। और उसके बाद 19वां क्या है, स्वतंत्रता से संबंधित है। उसके बाद 16वां और 15वां, ये दोनों आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि ये किससे है, जैसे धर्म जाति नस्ल 15वां है। और तो फिर 16 किससे होगा, लोक नियोजन की समानता, कि सभी लोग क्या हैं समान हैं। तो आप जो है वीडियोज को पूरा देखिए और इसमें जो क्वेश्चन हैं उनको भी आप प्रॉपर रिवाइज करिए, और कोई भी क्वेश्चंस आपके दिमाग में आए तो उसको पूछिए, क्योंकि वनडे का मतलब ही होता है बहुविकल्पी जो क्वेश्चन आते हैं, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं उसमें जो फैक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हम लोग कोशिश यही कर रहे हैं आपके सामने ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट को रखा जाए, जो फैक्ट बेसिस एग्जाम होते हैं। यहाँ तो इनफैक्ट पीसीएस भी फैक्ट बेसिस एग्जाम हो गया, प्री आपका फैक्ट बेसिस होता है। उसके बाद मेंस में आप क्या नॉलेज रखते हो वो नॉलेज, वो आपका जो गहन अध्ययन होता है वो काम आता है, ठीक है ना। तो मैं आपसे एक और निवेदन करूँगा कि आप इसके साथ साथ जो है इस चैनल को लाइव सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ठीक, धन्यवाद। नेक्स्ट चैप्टर के साथ मैं कल आपके सामने उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।